जैसे एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसने बोला श्रील गौर कृष्ण बाबा जी महाराज जी को कि ना आप इतने महान संत हैं, कहां आप झोपड़ी में रहते हैं, आप झोपड़ी में रहने के बजाय आप मेरे महल में आइए, बल्कि लोग भी आया करेंगे आपको, आप भी कंफर्टेबली भजन करो, कहां आप ये टॉयलेट के पब्लिक टॉयलेट में बैठ करके वहां पर आप भजन करते हो, आप मेरे महल में आइए, मेरे महल में रहकर आप भजन करिए, लोग भी आएंगे आपके दर्शन करने के लिए, आपकी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, आप बिल्कुल आपको कोई भिक्षा विक्षा नहीं मांगनी आपको। अश्ल गौर किशोर बाबा जी महाराज वैसे जो थे, ही वाज सो डिटैच्ड, वो कपड़े क्या पहनते थे, शमशान में जो लोग जल जाते हैं ना, तो उनके कपड़े हवा में पड़े होते हैं, आधे जले आधे कटे फटे, वही लेकर के लपेट लिया करते थे बस, दैट्स इट। खाने के लिए यूटेंसिल, जो अंतिम संस्कार होता है तो क्या करते हैं, मटकी गिरा देते हैं, तो मटकी जो गिर के टूट जाती है, तो आधी पूरी की जो होती है टूटी फूटी मटकी, उसी में कुछ ना कुछ वो या तो गंगा जल पी लेंगे या गंगा की जो मिट्टी वो खा लेंगे, बस दैट्स इट। कभी किसी ने कुछ दे दिया तो अच्छी बात, दे दिया तो नहीं, दैट्स व्हाट।